बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फरीदाबाद से बड़ी खबर है, जेल में बंद एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन का एक वीडियो सामने आया, तो एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी, 28-29 अगस्त का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने इस वीडियो के सामने आने के बाद जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि जांच में सब कुछ सामने आ सके, सच्चाई सामने आ सके। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जेल में बंद एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। और इस संबंध में आपको बता दें कि जांच के आदेश भी दिए गए हैं, 28-29 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने इस संबंध में वीडियो के सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए हैं, ताकि सब कुछ सामने आ सके। एसीपी क्राइम अनिल यादव इस मामले की जांच करेंगे। तो फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। तो करोड़ों के गबन में नीम का जेल में बंद है अनिल जिंदल, और जेल में बंद एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। और वीडियो के वायरल होने के बाद इस संबंध में आदेश भी दिए गए हैं, ताकि इस संबंध में जांच की जाए और सच्चाई सामने आ सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए हैं। राजा पटेल, ये पूरा मामला क्या है? और बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन हैं, साफ तौर पर अनिल जिंदल, वो 28 और 29 की तारीख को नीम का जेल है, जहां पर वो काफी लंबे समय से बंद है। करोड़ों के घोटाले उन्होंने फरीदाबाद में किए हैं, उसी कड़ी में उनको कहीं ना कहीं सजा अदालत ने सुनाई थी, और वो नीम का जेल में बंद थे। बीमारी का बहाना लगा के फरीदाबाद के नामी हॉस्पिटल मेट्रो हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए थे। साफ तौर पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि 28 और 29 तारीख को नवीन जिंदल कहीं ना कहीं मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, और साफ तौर पर वहीं के कर्मचारी ने उनका यह वीडियो बनाया था। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से वो दारू पीते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और समझाते हुए नजर आ रहे हैं कर्मचारी को कि हम रेगुलर कस्टमर है और यहाँ पर इस तरीके से आते रहते हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिसिया प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो कर्मी है जिनकी देखरेख में उनको वहां पर एडमिट कराया गया था, वो भी कहीं ना कहीं, ये जानकारी है कि वो भी कहीं ना कहीं ड्रिंक कर रहे थे, वो भी नशे की हालत में थे। ऐसे में अब बहुत बड़ा एक्शन फरीदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने कहीं ना कहीं लिया है। जांच कहीं ना कहीं एसीपी क्राइम को सौंप दी है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में निकलकर क्या कुछ सामने आता है। जी चलिए राजा पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। 28-29 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है, और जिसमें ये बात सामने आ रही है, और वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अनिल जिंदल शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वह अस्पताल में ये तर्क देकर भर्ती हुए थे कि उनकी हालत खराब है, लेकिन अनिल जिंदल का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। और इस संबंध में आपको बता दें कि जांच के आदेश भी दिए गए हैं, ताकि इस संबंध में पूरी सच्चाई सामने आ सके। और इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिसिया प्रणाली पर भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है। बीमारी के बहाने मेट्रो अस्पताल में वह भर्ती हुए थे, लेकिन ये उनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, किस तरीके से अपना आराम से बैठकर वह शराब पी रहे हैं। तो एसीपी क्राइम अनिल यादव इस मामले की जांच करेंगे, उनको जांच सौंपी गई है। तो फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने इस बात की जानकारी दी है।